जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने देखा है कि कॉटन की जो एक्सपोर्ट है यानी कॉटन का जो निर्यात है उसमें थोड़ी गिरावट बनती नजर आई है। खबरें निकल के सामने है कि जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा प्रीमियम की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉटन के जो एक्सपोर्ट है ज़्यादा कीमतें होने की वजह से तो उसमें थोड़ी गिरावट बनती नज़र आई है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो क्या कॉटन में आगे जाके कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल पाएगी? क्योंकि हम देख रहे थे प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से डिमांड उठी थी और कीमतें भी उठी थी। तो अगर ऐसे में एक्सपोर्ट डिमांड में गिरावट आती है तो क्या हाजिर और वायदा में भी गिरावट देखने को मिल पाएगी? देखिए अभी फिलहाल देखिए छूटमूट गिरावट जरूर एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार तेजी दिखा रही है। और कॉटन का इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हाजिर के अंदर भी अगर हम कपास की कीमतों की बात करें तो 11,000 के ऊपर निकल चुकी है और बाजारों में एक अच्छा खासा अपसाइड बना है, जिससे फार्मर्स भी काफी अट्रैक्टिव हुए हैं इस फसल की तरफ। और काफी लंबे समय के बाद कपास में इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है क्योंकि इस बार प्रोडक्शन काफी इंपैक्ट हुआ है और जो फसल हुई है वो भी काफी खराब निकली है। क्वालिटी यानी कि यूं कहे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो अच्छी किस्म की कपास है उसके प्राइजेस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो सीधा सा असर जो है वो उत्पादन कम होने के चलते, मांग ज्यादा होने की वजह से कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी है। और कपास का बताया जा रहा है कि कपास निगम के पास भी अभी फिलहाल कोई बहुत ज्यादा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और आगे चलकर भी कीमतों को सपोर्ट रहने की ही उम्मीद है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर भी अभी प्राइजेस जो है ये वाला महीना जनवरी एंड फरवरी, ये दो मंथ्स अभी भी कपास में तेजी वाले रह सकते हैं। लेकिन जिनके पास अभी भी माल रखा हुआ है वो धीरे धीरे लिक्विडेट भी करें क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस काफी ऊपर आ चुके हैं, लगभग पिछले साल के मुकाबले दोगुना देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आगे चलकर कीमतों में तेजी बनी रह सकती है और ये अपसाइड कॉन्टिन्यूशन में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 15 दिन से लेकर एक महीने तक ये तेजी कॉन्टिन्यूशन रह सकती है। जी,